आर यू लुकिंग फॉर अ व्हाइट बोर्ड जिसमें आपको टीचिंग के लिए जोमेट्रिक टूल्स टू डी थ्री डी शेप्स अवेलेबल हों जहां लिखने के लिए आप इंफेनाइट स्पेस और मल्टीपल पेजेस एड कर सकें जहां स्क्रीन शॉट लेने के साथ साथ रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी मिले सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉर्ड योर वीडियो लेक्चर्स एंड मेनी मोर फीचर्स जो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में हेल्प करें हेलो एवरीवान दिस इज निधि और आज जिस अमेजिंग व्हाइट बोर्ड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है माई व्यू बोर्ड सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू बिगिन विथ सबसे पहले आप जाएंगे माई व्यू बोर्ड डॉट कॉम पर देन यू आर गोइंग टू साइन अप ई मेल करने के बाद यहां पर आपको माई व्यू बोर्ड का एक यूनिक नेम प्रोवाइड करना है और यही नेम आप यूज करेंगे टू शेयर इट विथ योर स्टूडेंट्स इसके बाद स्क्रीन पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको उन्हें फॉलो करना है टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यदि आप जून 30, 2021 के पहले साइन अप करते हैं तो अगले एक साल के लिए दैट इज अपटिल जून 30, 2022 आपको माई व्यू बोर्ड के जो प्रीमियम फीचर्स हैं उनका एक्सेस मिलेगा साइन इन करने के बाद आप आएंगे माई व्यू बोर्ड डैशबोर्ड पर इसके बाद आपको डाउनलोड करना है माई बोर्ड एप्लीकेशन और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन अप करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको एक्टिवेट करना होगा विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस आपको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे स्क्रीन पर उनको फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो जब आप व्हाइट बोर्ड को लॉन्च करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा विद द सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो ये हमने व्हाइट बोर्ड ओपन अप कर लिया है नीचे आपको टूल बार दिख रहा होगा इसे आप मूव कर सकते हैं यू कैन पोजिशन इट ऑन द लेफ्ट या फिर आप इसे राइट right में भी कर सकते हैं लेट्स एक्सप्लोर दीज टूल्स ऑन द राइट साइड सबसे पहला आता है स्विच बिटवीन विंडोज एंड वाइट बोर्ड इसे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप है दिस इज विजिबल और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते लिखना चाहते लिख सकते हैं यदि आपको वेब ब्राउजर पर कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है देन यू कैन डू दैट ऑल्सो लेट्स स्विच बैक टू टूअर व्हाइट बोर्ड इसके नीचे थर्ड ऑप्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इसे यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे स्क्रीन लेने के इसके बाद आता है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर यदि आपको कोई स्क्रीन लेना है तो पहले तो हम करेंगे स्विच यदि हमें कोई स्पेसिफिक एरिया लेना है तो वो हम ले सकते हैं यदि हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेना है तो इस तरह से हमने उसको सिलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिकली आपके व्हाइट बोर्ड में पेस्ट हो जाएगा सेव हो जाएगा इसको आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं इसकी साइज को कम uh, कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और भी आपको कुछ एक ऑप्शन मिलेंगे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अगला ऑप्शन जो था हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का uh, ये फोर्थ ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको ये टूलवार दिख रहा है ये यहाँ पर आ गया है ये आपके वॉइस uh, को रिकॉर्ड करेगा आप चाहें तो फुल स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन है जैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे हिट ऑन द रिकॉर्डिंग ऑप्शन रेजोल्यूशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्लिक ऑन टेक और फिर द टाइमर इज गोइंग टू कम और फिर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वंस यू आर डन विथ ऑल द रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको एंड करना है ये जो आपका रिकॉर्डिंग है ये यहाँ पर आ गया है न इफ यू वॉन्ट टू सेव दिस रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एम पी फोर फॉर्मेट में ये सेव होगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन कहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं दिस इज़ एक्चुअली अ वंडरफुल ऑप्शन कि वाइट बोर्ड में ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिल रही है आपको कोई सेपरेट स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद आता है आपका फोल्डर ऑप्शन यहाँ से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं फाइल का मतलब ये जो वाइट बोर्ड है जिस पर आप कुछ भी लिख रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर इमेज ले रहे हैं इसको यदि आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं सेव एज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट में आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट यहाँ पर मिल रहे हैं ये जो फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं इनमें से किसी भी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं इसके नीचे आता है आपका मैजिक बॉक्स एंड इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ओवर हिस्टर यहाँ पर यदि हमें कोई भी फाइल अपलोड करना है अपलोड इन सेंस इम्पोर्ट करना है इस वाइट बोर्ड के ऊपर सपोज हमको ये जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ पर लेकर आना है तो उसको हमने सेलेक्ट किया और फिर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पी जो आपका है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा आपको यहाँ पर कोई स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है स्क्रीन स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप यहाँ पर ही अपने पूरे मैटर को एडअप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ दिस और ये जो आपने मैटर इंपोर्ट किया है ये डिफरेंट पेजेस में एडअप होगा सपोज ये जो हमने फाइल इंपोर्ट की है इसमें पांच पेजेस हैं तो ये पूरा कंटेंट एक पेज पर नहीं आएगा अलग अलग पेजेस में आपको ये सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा अभी हमने देखा किस तरह से हमने पी डी किया इसी तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इम्पोर्ट कर सकते हैं वीडियो फाइल इम्पोर्ट कर सकते हैं बस आपको सिलेक्ट करना और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है अनदर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ माई व्यू बोर्ड इज क्लाउड मैनेजमेंट इसमें आपको क्या करना है जो आपका गूगल ड्राइव है आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ माई व्यू बोर्ड करना क्या होगा यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन नीचे आप जाएंगे फॉलो मी क्लिक ऑन क्लाउड इंटीग्रेशन गूगल ड्राइव यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा बाइंड का यू हैव टू सिलेक्ट दैट और इसके बाद जिस भी मेल आईडी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं यू हैव टू जस्ट डू दैट और फिर जो आपका गूगल ड्राइव है वो माई व्यू बोर्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा बेनिफिट क्या है इस चीज का यदि आपको गूगल ड्राइव से कोई फाइल इंपोर्ट करना है अभी तक हमने देखा किस तरह से हम सिस्टम से वीडियो को पीडीएफ को या किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में सिमिलरली हम गूगल ड्राइव से भी कोई भी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं एंड नॉट ओनली दिस थिंग यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर और इसे हमें सेव करना है अभी हमने देखा किस तरह से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में सपोज यही फाइल यही व्हाइट बोर्ड हमें सेव करना है गूगल ड्राइव में तो हम जाएंगे सेव एज ऑप्शन में और नीचे हम क्लिक करेंगे यहां पर आपको जो सेकेंड आइकन दिख रहा है गूगल ड्राइव का इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ये जो सारा कॉन्टेंट है इस बोर्ड का उसको हम सेव कर लेंगे माई ड्राइव में एंड देन यू कैन जस्ट ओपन इट वेवर एंड टू एंड रेफर टू इट इन साइड मैजिक बॉक्स थर्ड आता है आपका टूल्स ऑप्शन यहाँ आपको एनालॉग क्लॉक मिल रहा है टाइमर मिल रहा है स्केल सेट स्क्वेयर प्रोट्रेक्टर कम्पस लेट सेलेक्ट दिस वन इसको हम ड्रैगन ड्रॉप करते हैं यहाँ पर और अभी हमने क्या किया यहाँ पर ये जो पेन इंक है इसको सिलेक्ट कर दिया अब हमको क्या करना है वी वॉन्ट टू मेक अ सर्कल तो पहले हम थोड़ा सा इसका रेडियस है उसको रिड्यूस करते हैं एंड देन क्लिक ऑन दिस सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सर्कल अभी हमने क्या किया था इसका जो साइज है पेन साइज है उसको रिड्यूस नहीं किया है इसलिए इस तरह से आया है इसको हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं ओपेसिटी इसका इंक्रीज करते हैं लेट्स चेंज द कलर ऑल्सो सपोज हमको लाइन ड्रॉ करना है तो हमने क्या किया पहले हमने स्केल को सेलेक्ट किया लेट्स मूव और स्केल ओवर हियर और फिर हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ हम यदि रैंडमली भी अपना पेन मूव करेंगे तब भी जो लाइन है वो स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑल दीज मैथमेटिकल टूल्स ओवर हियर फिर से हम मैजिक बॉक्स को खोलते हैं लेट्स ओपन द टूल्स यहाँ पर मिलता है आपको ग्राफ का ऑप्शन यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं इसी तरीके से मैथ इनपुट पैनल आपको मिलेगा यहाँ पर इफ यू वॉन्ट टू राइट सम इक्वेशन तो ये आपका इक्वेशन यहाँ आ जाएगा हम इसको इंसर्ट कर देते हैं एंड क्लोज दिस वन तो ये आप देख सकते हैं ये जो आपका इक्वेशन है वो यहाँ पर आ गया है नाउ अदर ऑप्शन आर ऑल्सो ओवर देर यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम फिर यूट्यूब वीडियो यदि आपको यहाँ पर ओपन अप करना है यू कैन सेलेक्ट दिस वन यू कैन सर्च फॉर इमेजेस फ्रॉम ओवर हियर एंड देर आर मेनी मोर ऑप्शन विच यू कैन गो थ्रू मैजिक बॉक्स के नीचे आता है आपका एम्बेडेड ब्राउजर जिस तरह से हम क्रोम यूज करते हैं इन द सेम वे ये जो एम्बेडेड ब्राउजर है उसको हम ओपन अप करेंगे इफ यू वॉन्ट टू सर्च समथिंग जस्ट टाइप इट ओवर हियर एंड देन इट इज गोइंग टू शो अस ऑल द रिजल्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक सपोज ये टॉपिक हमको पढ़ाना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इमेजेस को हमको रेफर करना है तो उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर यू कैन रेफर टू कॉन्टेंट फ्रॉम विकीपीडिया या फिर जो आप इमेजे यूज कर रहे हैं मेक श्योर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉपी राइट जो इमेजेस फ्रीली अवेलेबल हों आप उन्हें ही यहाँ पर यूज करें अदरवाइज डू नॉट यूज देम वेब ब्राउजर के ही नीचे हमको ऑप्शन मिलता है मूव द कैनवस का इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम अपने कैनवस को इस तरह से मूव कर सकते हैं तो ये देखिए ये हमने अपने कैनवस को लेफ्ट साइड में थोड़ा मूव कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहाँ भी हम इसे प्लेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली हम इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे वी कैन मूव और टेक्स्ट वी कैन मूव और इमेज़स ये नीचे आता है आपका लैजो सिलेक्ट टूल तो कोई एक एरिया जो आप डिलीट करना चाहते हैं इस तरह से आप उसे सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं या फिर उसको रीलोकेट कर सकते हैं इसके नीचे आता है पेन ऑप्शन के अंडर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ए आई पेन यहाँ पर हम हाँ कोई भी एक रैंडम शेप बनाते हैं इस तरह से लेफ्ट में आपको इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस मिलेंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन इम्पोर्ट देम ऑन योर वाइट बोर्ड यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप देम अनदर थिंग दैट यू कैन डू ओवर हियर इज उसी इमेज पर आप राइट right क्लिक करेंगे तो इंटरनेट पर जो भी उस चीज से रिलेटेड इमेजेस अवेलेबल हैं वो सारे सजेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड इफ देर इज एनी इमेज विच इज अवेलेबल फ्री यू कैन यूज इट हियर इमेजेस दैट आर सब्जेक्ट टू कॉपी राइट उन्हें आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे माई व्यू बोर्ड के होम पेज पर जब आप जाएंगे तो विकी ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड इफ यू आर कन्फ्यूज एट एनी पॉइंट आप उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर जैसे व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन है इससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो पूरा हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या टूल है उसका क्या यूज है उसको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टू टेक और क्लासेस सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी अनदर यूनिक फीचर ऑफ माई व्यू बोर्ड इज क्लासरूम मैनेजमेंट जब आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है क्लासरूम का इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है और यदि स्टूडेंट्स एक्सेस करना चाहें तो उन्हें भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है दे कैन जस्ट ओपन अप देयर वेब ब्राउजर और वहां से ही वो आपकी क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं दिस इज योर डैशबोर्ड फॉर योर व्यू बोर्ड क्लास अब ये जो क्लास रूम है इसको आपको शेयर करना है विथ योर स्टूडेंट्स तो वो आप कैसे करेंगे ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको पब्लिक सेशन ये जो लिंक है इसको आपको कॉपी करना है वेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस तो ये जो लिंक है आपका कॉपी हो गया है लेट्स पेस्ट दिस इन अनदर ब्राउजर यहाँ पे स्टूडेंट दे आर गोइंग टू गिव देयर नेम एंड डायरेक्टली दे विल हैव टू साइन इन यहाँ पर उन्हें कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड दिस इज हाउ द स्टूडेंट डैशबोर्ड इज गोइंग टू लुक लाइक दिस इज द स्टूडेंट्स व्यू ऑफ द क्लास रूम लेट्स गेट बैक टू द टीचर्स व्यू नीचे आपको यहां पर स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है इफ़ यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर लेक्चर तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर क्लास रूम सबसे राइट right में लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे ओपन डैशबोर्ड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू मैनेज योर क्लासरूम रूम यहां पर आप देख सकते हैं जब स्टूडेंट यहाँ से साइन इन करेंगे तो यू कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे यहाँ पर विजिबल होंगे द इंटरेस्टिंग थिंग इज कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू योर क्लास तो यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं यू कैन चेक देयर कनेक्टिविटी वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट फ्रॉम ओवर हेयर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटस का अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज एंगेजमेंट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है क्लास में कौन सा स्टूडेंट नहीं है एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन क्लासेज यू कैन नॉट मेक आउट कि स्टूडेंट अटेंटिव है या नहीं है वेदर दे आर लिसनिंग टू यू और नॉट तो ये चीज आप यहाँ से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं क्या वो आपकी क्लास में अटेंटिव हैं या फिर वो कोई और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं वेदर दे हैव ओपेंड अप अनदर विंडो और डूइंग एनीथिंग एल्स सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर यू कैन जस्ट सी द एंगेजमेंट आप देख सकते हैं उनका कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं और ये जो डैशबोर्ड है ये सिर्फ टीचर्स को विजिबल रहेगा स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू सी दिस स्टूडेंट्स को क्या दिखेगा दे विल बी ओनली एबल टू सी दिस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड जहाँ पर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं लिख रहे हैं बता रहे हैं इफ़ यू वॉन्ट टू एड अप मोर पेजेस टू योर वाइट बोर्ड यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हेयर और यहाँ पर आप जितने चाहे यहाँ पर पेजस एडअप कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज डिफरेंट फीचर्स दैट आर अवेलेबल टू यू इन माई व्यू बोर्ड टू कंडक्ट योर ऑनलाइन क्लासेस स्मूथली सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो